हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन ई के बारे में बेनिफिट बताए थे, उसके कुछ नुकसान भी बताए थे, बट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से टेस्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, जब आप विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके कुछ एलर्जिक रिएक्शन होते हैं हमारे फेस के ऊपर। जो हमारा फेस का पीएच लेवल है वो अदर बॉडी पार्ट जैसे कि हाथ और पैर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके हाथ और पैर के जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और आपका जो फेस है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए आप हमेशा, आपने कभी भी क्रीम इस्तेमाल किया है, फेस पे लगाया है, वो सेम क्रीम आप कभी भी आपके हाथ पे या पैर पे आप नहीं लगाते। उसके लिए आप हमेशा लोशन यूज करते हैं, अदर क्रीम यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं आपके हाथ और पैरों के लिए। और जहां तक की बात आती है फेस की, फेस का तो हर कोई बिल्कुल खास ख्याल रखता है। तो इसके लिए जब भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, तो इस्तेमाल करने से पहले आपको उसका एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा विटामिन ई लेना है अपने हाथों पे, उसमें पिन से एक होल कीजिए विटामिन ई के कैप्सूल पे, और थोड़ा सा एक दो ड्रॉप लेके अपने कान के पीछे वाले स्किन पे लगाइए। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट वेट कीजिए। 15-20 मिनट के बाद अगर आपको कुछ महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, कुछ इचिंग हो रही है या फिर रेडनेस हो रहा है, तो फिर इस हालत में आपको आपके फेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको सूट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाए आपके फेस के ऊपर, तो फिर इस हालत में आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप बिल्कुल भी ध्यान से सुने। जब भी आप इवोन 400 कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फेस के ऊपर, तो उसके साथ में आप कुछ बूंदे बादाम रोगन ऑयल की भी मिला लें। इससे क्या होगा कि उसका जो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो बादाम का ऑयल होता है वो किसी भी अदर इस अर्थ के ऊपर, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑयल है उन सभी ऑयल से 6 गुना ज़्यादा बारीक होता है बादाम रोगन का ऑयल। तो आपके स्किन के अंदर, फेस के जो आपके रोम छिद्र होते हैं उसके अंदर इजीली एब्जॉर्ब होगा। तो आप जब दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। 20 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं नॉर्मल वाटर के साथ में। नाइट में भी आप अप्लाई करके रह सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने टेस्ट किया है जो मैंने आपको बताया। और सेकंड हम बात करते हैं, अगर आप बालों में लगाना चाहते हैं तो आप बालों में आप लगाने के लिए आप 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल ले लीजिए। उसके अंदर आप 15 से 20 ml कोकोनट ऑयल आप ऐड कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके उसके बाद अपने बालों पे लगाइए। बालों में लगाने के बाद आप आधे घंटे के बाद अपने बालों को धो लीजिए, आपके बाल बिल्कुल सिल्की शाइन हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग भी हो जाएंगे। तो ये आप टिप जरूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देता रहता हूँ मैं हेल्थ से रिलेटेड। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।